हम उनको देखे हैं, वो तो नहीं कह सकते वो कौन सी खाते हैं, लेकिन जो है नहीं, उनको, अरे यार लोगों हटाइए, अब कहीं का एडमिनिस्ट्रेटिव का कहीं का हिंदी करवा दिया, तो वो बोले नाम पता लिखे हैं, आज मैंने जाना था तो मैंने आज उनका समय नहीं मिला, इसीलिए थोड़ा सा इनका समय नहीं मिला DDC साहब को, तो मैंने पंचायत के मुखिया जी को किया तो बोले हैं वो सबको बता देंगे। तो हम व्यक्तिगत तौर पर उसको ये तुम्हारे खाते में जाएगा, तुम्हारे माता पिता के खाते में जाएगा और अपने बैंक के सर है उनको तो मिलना है और हमारा जो माँ बाप को बहुत सी परेशानी है, जैसे कि करकट में तपते हैं, मैंने हम तो चल जाएंगे सर, लेकिन माँ बाप को। कौन थे पहले बिहार में ये? पहले उप मुख्यमंत्री, अभी कहाँ है? फड़ोरी तो रोज मीडिया वालों को, मीडिया हो गया जितना मीडिया होना हो गया, अब जब स्कूल में नाम लिखाएगा तब पूरा मन लगा कर बिहार को जितना आगे तक जा सकते हो आगे तक जाने का। सर आपके आने की तस्वीर देखिए, कितना खुश है सोनू, आपको हमेशा सर सोनू एक बात बताओ, सुशील कुमार मोदी जी को कैसे जानते हैं? एक मिनट, इतनी हिम्मत करके साइकिल चलाकर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में गया और हिम्मत के साथ अपनी बात आराम से नीचे की, इस तरह के इस बच्चे ने इस देश के लाखों बच्चों को एक नई ऊर्जा नया उत्साह पैदा किया है और अपनी बात को बहुत बेबाक तरीके से रखा, चाहे वो पित घर के पिताजी के बारे में हो, स्कूल के बारे में हो, और सरकार इनको पूरी मदद करेगी। मेरी चलने के पहले DM साहब से बात हुई थी, DM ने कहा कि जहां वो चाहेगा, तो इसने नवोदय विद्यालय जो है, नवोदय विद्यालय जो है, नवोदय विद्यालय में इसने नामांकन के लिए सुझाव दिया था, तो DM साहब ने कहा कि मैं नवोदय विद्यालय में छोड़ दिया है और नवोदय विद्यालय एक बहुत अच्छा विद्यालय है, तो और भारत सरकार का विद्यालय है, तो नवोदय विद्यालय में इसका नामांकन हो जाएगा। DM साहब ने मुझसे कहा है कि नवोदय विद्यालय में अगर चाहेगा तो हम करा देंगे और मुझे खुशी कि ये नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहता है, और मैंने इसको ये कहा है कि इसकी पढ़ाई में जो भी कुछ खर्च होगा मैं व्यक्तिगत अपने तौर से इसके खाते में हर महीने, और जो एक निश्चित राशि होगी 2000 हो 3000 रुपया हो, वो मैं इसको हर महीने इसके खाते में दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार का कॉपी किताब कपड़े के लिए बाकी के लिए किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। और इतना तेज बच्चा है, इस उम्र में इतना तेज बच्चा जिसका जनरल नॉलेज भी इतना तेज हो, गाँव में रहने वाला गरीब घर का लड़का, ये बहुत होनहार बच्चा, और मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चा बहुत दूर तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने DM को DDC को आदेश दिया है, और उसी प्रकार तो ये इस बच्चे ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है, और मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया ने इसके इंटरव्यू वगैरह लेकर, और जो शिक्षा की जो दिक्कत है, कठिनाई है, जो समस्याएँ हैं, जो मुद्दे हैं, उसको पूरे देश का ध्यान और उसकी ओर आकर्षित किया है। इसलिए मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए मैं फिर से एक बार और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, और ये वहां पहुँच कर उन्होंने जो ध्यान आकर्षित किया, इतना प्यारा बच्चा है और इतनी हिम्मत की बात कि इस उम्र में गरीब बच्चों को पढ़ाता है, 30-35 बच्चों को पढ़ाता है, तो ये बाकी लोगों के लिए भी अनुकरणीय है, बाकी लोगों के लिए भी एक दिशा निर्देश है। एक छोटा बच्चा भी गरीब जरूर है, लेकिन अपने से भी गरीब बच्चों को और पढ़ाने का काम करता है, यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए मेरी पूरी शुभकामना इसके प्रति है और मैं इसकी पूरी मदद करूँगा।